एक तरफ सभी और शांतनु इस बात को लेकर परेशान है कि ईशा बिना बताए कहाँ चली गई। शांतनु रामटेक के लिए निकल गया है तो सभी ना सिर्फ पुलिस कंप्लेन कराकर लौटी है बल्कि वो सड़क पर हर किसी को फोन पर ईशा की तस्वीर दिखाकर पूछ रही है कि क्या आपने इनको कहीं देखा है। ईशान भले ही इस बात को जाहिर करे कि उसको अपनी माँ आई ईशा की कुछ भी परवाह नहीं है, भले ही वो इस बात का दावा करे कि वो तो अपने बाबा का साथ दे रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि ईशान भी ईशा के गायब होने के बाद हैरान और परेशान है। उसे जैसे ही पता चला कि ईशा उसका नाम लेते लेते होटल से निकल गई है, ये बात उसे लगातार परेशान कर रही है। शांतनु ने उसे बताया कि तुम्हारे जलाए हुए खत वो देखकर फूट फूट कर रो रही थी। ये बात सुनकर ईशान का दिल तो टूट गया लेकिन उसने किसी के सामने इसे जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अब वो भी ईशा को ढूंढने के लिए निकल चुका है और ऐसे में ईशा उसे एक कोने में बैठे रोती हुई नजर आई है। हालांकि ईशा को कुछ भी सुध-बुध नहीं है, ईशा सिर्फ और सिर्फ सदमे में है। उसका दिल इस बात से टूट चुका है कि उसका बेटा उससे बहुत नफरत करता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर ईशान भी टूट चुका है और अपनी माँ की गोदी पर सर रखकर फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहाँ ईशान को अपनी माँ की गोदी पर सर रखकर रोते हुए सभी और शांतनु ने देख लिया है और वहीं वो दोनों ये बात समझ चुके हैं कि ईशान के दिल में आज भी ईशा के लिए प्यार तो है, पर उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर रोक रही हैं कि वो उनको जाहिर करने से डर रहा है। सालों पहले जब उसकी आई उसे छोड़कर चली गई थी, वो एक नन्हा बच्चा था और आज तक वो उस बात को नहीं भुला पाया है और इसीलिए लगातार जब भी मौका मिलता है और ईशा का नाम आता है तो उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ कड़वी बातें ही निकलती है। हम आपको बता दें लेकिन अब ईशा की ऐसी हालत देखकर ईशान टूट गया है। अपनी आई की सर पर गोदी में सर रख कर वो जिस तरीके से रो रहा है, उसको इस बात का एहसास और पछतावा है कि अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन क्या अब उसके ये आंसू जो निकल रहे हैं वो वाकई में पश्चाताप के आंसू हैं? क्या उसे ये बात समझ में आ चुकी है कि वो अपनी आई के साथ गलत कर रहा है? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।